प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की किताब मंजरी। आइए शुरू करते हैं आज का पहला पाठ, चिरमहान। यह कविता का शीर्षक है। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, जगजीवन में जो चिरमहान सौंदर्यपूर्ण असत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनू नाथ, जो हो मानव के हित समान। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए कविवर कहते हैं कि हे भगवान, मैं उन सब चीज़ों का प्रेमी बनूं जैसे जगजीवन में जो चिरमहान हो, संसार के लोगों का जीवन और जो चिर दीर्घ काल तक रहने वाला हो, तो मैं उन सब चीज़ों का प्रेमी बनता रहूं। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, और जो सौंदर्य सुंदरता से परिपूर्ण हो, भरा हो, सत्य प्राण, सत्य प्राण जिसका हृदय सत्य से भरा हो, और जो मानव के हित समान और जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो, मैं उन सब चीज़ों का प्रेमी बनूं, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंध भक्ति। कहते हैं प्रार्थना करते हुए कविवर कि जिसको करने से हमें शक्ति अर्थात ऊर्जा मिले और हमारा भय और संशय, भय मतलब डर, संशय संदेह, अंधभक्ति अर्थात बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना, ये सब समाप्त हो जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं वह प्रकाश बन जाऊं जिसमें, हे नाथ, सारा संसार, सारे संसार सभी व्यक्ति इसी में एक जुट हो जाएं, इसमें ही मिल जाएं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का मैं अमरत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, और करने मानव का परित्राण, पूर्ण रक्षा करने के लिए ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। तो नवजीवन का, नए जीवन का अभियान अर्थात भोर, तो मैं फिर से एक बार इस संसार में प्रातःकाल अर्थात उसका भोर ला सकूं। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की ही पाठशाला में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि। पंत जी का निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ था। अब पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। जगजीवन, जगजीवन मीन्स संसार के लोगों का जीवन। सत्य प्राण, जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान, जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल, संपूर्ण और सारा भी। परित्राण, पूर्ण रक्षा। बिहान, प्रातःकाल या भोर। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके इन शब्दार्थ को कॉपीज में लिखें, कविता पढ़ने के उपरांत इन प्रश्नों को समझें और लिखें। इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इसी प्रकार से कविता को पढ़कर इसमें अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। जैसे अच्छे गुण वाले शब्द सत्य प्राण, दुर्गुण वाले शब्द जैसे अंधभक्ति। तो क्या आपने कुछ सीखा? यस मैम। कविता में आए हुए अच्छे गुण वाले शब्द बताएं। सत्य प्राण, महान, सौंदर्यपूर्ण, प्रेमी, हित, शक्ति, प्रकाश, अमर, दान, परित्राण, नवजीवन। वेरी गुड। दुर्गुण वाले शब्द बताओ। भय, संशय, अंधभक्ति। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि विश्व में नवजीवन का बिहान
क्यों लाना चाहता है? मानवता की संपूर्ण सुरक्षा, सुख समृद्धि और विकास के लिए कवि विश्व में नव जीवन का विहान लाना चाहता है। विहान अर्थात भोर लाना चाहता है। इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या शीर्षक देंगे? इस कविता का अन्य शीर्षक है नवजीवन का विहान। बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, इस निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये कविता की पंक्तियां हैं स्टूडेंट्स, इनको आप अपने कॉपीज में लिखें और वीडियो पॉज करके सुन के दोबारा इनके भाव को अपने कॉपीज में स्वयं लिखें। अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में ये प्रश्न भी लिखें। नीचे क वर्ग में दी गई कविता की पंक्तियों से संबंधित पंक्तियां ख वर्ग में दी गई हैं, किंतु वे क्रम से नहीं हैं, तो आपको पंक्तियों को क्रम से करना है। तो प्रथम है, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, तो इसमें क्या मिलेगी लाइन? जो हो मानव के हित समान। हाँ, जो हो मानव के हित समान। ये मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, तो ये वाली लाइन यहाँ पर आएगी। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, ये आपको ये वाली लाइन यहाँ पर इसके सामने लिखनी है। अब आइए करते हैं भाषा की बात। चिर शब्द का अर्थ है सदैव। यह महान के पूर्व विशेषण रूप के रूप में जुड़ा है। इसी प्रकार चिर विशेषण लगाकर तीन नए शब्द बनाइए। चिर युवा, चिर यौवन, चिर आयु। ओके, गुड। अब जानते हैं भाषा में संज्ञा और सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ये आप लिखते चले साथ में ही अपनी भाषा की कॉपी पर। क्रिया विशेषण, वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला शब्द विशेषण है, तो संज्ञा शब्द घोड़ा की विशेषता बता रहा है और तेज दौड़ा में दौड़ा शब्द की क्रिया है, उसकी विशेषता बताने वाला शब्द तेज क्रिया विशेषण है। इसे भी जाने। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी काव्य गति चिदंबरा के लिए सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में उत्कृष्ट लेखन करता हो वह इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1965 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चों, आपने सिलेबस के सभी पाठों को, सभी विषयों के पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और निरंतर अपना अभ्यास जारी रखें। ओके, गुड बाय।